सो लेट्स स्टार्ट। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की अलग अलग अप्रोचेज हैं। सो फर्स्ट अप्रोच इज अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ आईआर आइडलिज्म। इंटरनेशनल रिलेशन की पहली अप्रोच जो है वो आशावाद पर डिपेंड है, मतलब कि आइडलिज्म है। दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज अ लिबरल अप्रोच। इस अप्रोच को लिबरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। आइडलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस होल्ड्स दैट ईवल्स प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग नेशंस। और जो आशावादी थे, आइडलिस्टिक अप्रोच वाले थे, वो सोचते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट में जितनी भी बुराइयां हैं, उस वजह से जो है नेशंस में अलग अलग राष्ट्रों जो हैं उनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं। The only weak condition required for conflict avoidance is that the reason of conflict, hunger, suppression, inequality, tyranny, force, violence, etc. should be eliminated. और वो कहते हैं कि इन सभी, अगर हम इन सब कॉन्फ्लिक्ट से, इन सभी झगड़ों से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या जो है नहीं अपनाना चाहिए। इनइक्वालिटी की सप्रेस नहीं करना चाहिए, हंगर नहीं होनी चाहिए, टायरनी नहीं होनी चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए या वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो ना ही हिंसा चाहते हैं, ना ही किसी फोर्स का यूज़ चाहते हैं, और वो चाहते हैं सभी इक्वालिटी से अगर रहेंगे तो किसी भी राष्ट्र में जो है वो झगड़ा नहीं होगा। आइडलिस्ट बिलीव इन मॉरेलिटी एंड बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। और जो आशावादी है, आइडलिस्ट है, वो नैतिकता पर और सभी के लिए अच्छा करने पे, गुडनेस जो है एक ह्यूमन नेचर की वो एक जो है बेसिक इम्पॉर्टेंस मानते हैं। दे बिलीव दैट लाइक ह्यूमन्स नेशंस आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ एक्टिंग मॉरली इन द इंटरनेशनल पोलिटिकल अरेना। और वो कहते हैं व्यक्तियों की तरह जो नेशंस हैं वो भी जो है उन्हें भी मॉरल जो वैल्यूज़ हैं अपनानी चाहिए, मॉरेलिटी के साथ जो है सारा काम करना चाहिए। आइडलिस्ट आर्ग्यू दैट टू अचीव द गोल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड ट्राई टू बिल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और वो चाहते हैं कि अगर हमें, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, अगर हम राष्ट्रवाद में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनाई रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनानी होंगी। The League of Nations formed in 1920 is an example of one such institution. और वो कहते हैं कि जो League of Nations 1920 में बनी है वो इस बात की एक उदाहरण है। However, the outbreak of the Second World War highlighted the weakness of this approach. लेकिन बाद में जो Second World War हुई, इसकी जो मेन कमजोरी थी लीग की, वो दर्शाता है। It is criticized by many as being impractical, ethnocentric and utopian in nature. और idealist approach वालों को जो है बहुत ज़्यादा criticize किया गया है कि वो practical in nature नहीं है, वो merely ideas से उनके काम हैं, utopia है सिर्फ उनकी thinking जो है, लेकिन उनके जो ideas हैं वो practically जो है applicable नहीं है। One of the earliest advocates of idealism in IR was Woodrow Wilson. Woodrow Wilson जो है उन्होंने idealism के पहले advocate बताए हैं। The main thinkers who have advocated the idealist approach in IR are Bertrand Russell, Aldous Huxley, William Ladd, Richard Corben and Margaret मीट। और आगे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडलिस्ट थिंकर जितने भी हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? बर्ट्रांड रसेल, एल्डस हक्सले, विलियम लैड, रिचर्ड कॉबन एंड मार्गरेट मीड। फंडामेंटल अज्यूम्शंस ऑफ आइडलिज्म। और जो अब आइडलिज्म वाले हैं उनके अज्यूम्शंस क्या हैं? ह्यूमन नेचर इज़ मॉरल एंड सेक्रीफाइजिंग, सेल्फ सेक्रीफाइजिंग। और वो कहते हैं कि जो एक व्यक्ति है, एक मानव है, वो नैतिक है और अपने को, आपको भी सेक्रीफाइस
कर देता है. एवरीवन्स फंडामेंटल कंसर्न इज पीस एंड हार्मनी. और हर एक जो व्यक्ति है वो यही चाहता है कि ब्रदरहुड बना रहे, मतलब कि सभी में यूनिटी रहे और शांति रहे. बैड इन्वायरमेंट एंड बैड इंस्टीट्यूशंस गिव बर्थ टू बैड ह्यूमन बिहेवियर. और वो कहते हैं कि अगर कोई बुरा इन्वायरमेंट है या बुरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे ही जो बुरे व्यक्ति जो हैं उनका जन्म होता है. वॉर्स आर अवॉइडेबल. और वो कहते हैं कि जो युद्ध हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए. एलिमिनेटिंग वॉर्स वुड बी द प्राइम कंसर्न फॉर ऑल. और वो कहते हैं कि अगर हम वॉर जो हैं, युद्ध जो हैं, उन्हें ख़त्म कर देंगे, यही एक व्यक्ति का मेन कंसर्न, मेन मंतव्य है. इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड बिल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू एलिमिनेट वॉर. और वो कहते हैं ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाने चाहिए ताकि जो युद्ध हैं उन्हें रोक सके. मोरालिटी इज़ अ वे टू अचीव यूनिवर्सल गोल ऑफ पीस. और वो कहते हैं नैतिकता ही एक ऐसा गुण है जिससे हमें विश्व में शांति जो है, जो हमारा मेन एम है, विश्व में शांति तभी बन सकती है अगर हर एक जगह नैतिक गुण हो, मॉरल वेज हो, मोरालिटी. नेक्स्ट इज रियलिज्म और द रियलिस्ट अप्रोच. रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस होल्ड्स दैट conflict among the nations in the international arena is inevitable. जो realist approach वाले हैं international relations में, वो सोचते हैं कि जो झगड़ा है nations में वो होता रहता है और कोई भी जो है उन्हें रोक नहीं सकता. Conflict in the international arena is nothing more than a manifestation of the pursuit of rational self-interest of every nation. और वो कहते हैं कि झगड़ा इसी वजह से होता है इंटरनेशनल एरिना में क्योंकि जो एक नेशन है वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है. The policy of pursuing self-interest in international relations has its root in basic human nature. और वो कहते हैं कि जो self-interest है हमारा international relations में, वो एक basic human nature की policy है. So, realists believe that human nature is inherently selfish. इसी तरीके से जो realists हैं वो ये सोचते हैं कि जो एक व्यक्ति है by nature selfish है. So nations also behave like humans and try to pursue their national interest. और इसी वजह से वो कहते हैं कि जो nations हैं वो भी व्यक्तियों की तरह ही behave करते हैं और वो अपने national interest को पूरा करने के लिए ही हमेशा try करते रहते हैं. This pursuit of national interest by each nation is a cause of conflict in the international arena. और जो एक नेशन के अपने इंटरेस्ट होते हैं उनकी वजह से जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो झगड़े होते हैं, यही जो है इंटरनेशनल अरेना में मेन मुद्दा है. वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिजम्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म इज़ दैट इट जस्टिफाइज वॉर. और एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म उनकी ये है कि इन्हीं की वजह से, मतलब कि ये सोचते हैं कि व्यक्तियों की वजह से जो है वो युद्ध होता है. Another charge levied against it is that it has no place for morality. और वो ये कहते हैं इसमें नैतिकता का कोई भी स्थान नहीं है. Some important realist scholars are Hans Morgenthau, Henry Kissinger, George F. Kennan and H. Carr. जो रियलिज्म वाले हैं वो आइडलिस्ट से बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं और इनके जो स्कॉलर्स हैं वो हैं हंस मॉर्गेंथो, हेनरी किसिंगर, जॉर्ज एफ कैनन एंड एच कार. फंडामेंटल अज्यूम्शंस ऑफ रियलिज्म. और रियलिज्म वालों की क्या अज्यूम्शंस हैं? ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश एंड सेल्फ सर्विंग. और वो कहते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो सेल्फिश है बाय नेचर और अपने लिए ही काम करता है, सेल्फ सर्विंग के लिए ही काम करता है. Since time immemorial, humans have carved power and dominance.
कहते कि जो एक व्यक्ति है वो पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है और दूसरों को जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ह्यूमन्स डिज़ायर फॉर पावर इज़ यूनिवर्सल, और ह्यूमन का जो पावर के लिए उसकी इच्छा है, उसका डिज़ायर है, वो यूनिवर्सल है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो लेना चाहता है। एंड द इंटरनेशनल एरिना ईच नेशन ट्राइज टू अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट थ्रू पावर, और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एरिना में भी जो हर एक नेशन है वो अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो लेना चाहता है। स्ट्रगल फॉर पावर इज़ अ फंडामेंटल कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विच कैनॉट बी एलिमिनेटेड, और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस हैं उनमें भी जो पावर का जो स्ट्रगल है वो लगातार चलता रहता है और उसे कोई भी नहीं हटा सकता। बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, वर्ल्ड गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी इज़ द पावर मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्रिजर्व पीस, और उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, ताकि हम जो बैलेंस पावर का बैलेंस बनाए रखें, सिक्योरिटी रखें, कलेक्टिव सिक्योरिटी रखें, वर्ल्ड गवर्नमेंट हो और डिप्लोमेसी हो। हंस जे मार्गेंथो एंड रियलिज्म, मार्गेंथो इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पोलिटिकल रियलिज्म, मार्गेंथो को पोलिटिकल रियलिज्म का फादर कहा जाता है। हिज क्लासिकल वर्क पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस प्रोवाइडेड अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पोलिटिकल रियलिज्म इन IR, जो उनकी बुक्स थी, एक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है उनकी। सेकंड उनकी बुक है द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो उन्होंने 1948 में लिखी थी। इसमें उन्होंने पूरी जो पॉलिटिकल रियलिज्म की सिस्टमैटिक थ्योरी जो है दी है। ही व्यूड इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस, और वो ये मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं उनमें नेशंस में हमेशा ही स्ट्रगल रहता है पावर का, क्योंकि हर एक जो नेशन है ज़्यादा जो है पावरफुल होना चाहती है और दूसरी नेशन से आगे बढ़ना चाहती है। वेयर ईच नेशन ट्राइज टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट, और हर एक नेशन जो है वो अपने नेशन के अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उनकी अपनी इच्छाएँ जो है वो पूरा करना चाहती है। मॉर्गेंथोस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, और मॉर्गेंथो की जो थ्योरी है उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आगे दिए हुए हैं। नंबर वन, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर, और वो कहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है उनके कुछ लॉज हैं और वो किसके लिए बने हैं, एक ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन नेचर जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। बाय स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग दीज ऑब्जेक्टिव लॉज अ साइंटिफिकली वैलिड थ्योरी ऑफ IR कैन बी फॉर्मुलेटिंग, इन्हें पढ़ने के लिए, समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए एक वैलिड थ्योरी जो है बनानी चाहिए। Political realism tried to explain all the phenomenon of international relations through the study of international interest defined in term of power. और उन्होंने कहा है कि जो हमारी पॉलिटिक्स की रियलिटी है political realism है, international relation का उसमें जो है अपने अपने national interest के बारे में जानकारी के लिए, study के लिए जो power है वो बहुत ही important term है, क्योंकि हर एक नेशन जो है वो पावर के लिए भाग रहा है, स्ट्रगल जो है कर रहा है ताकि उनका जो नेशन है वो आगे बढ़े। ईच नेशन डिफाइंस इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म ऑफ नेशनल पावर एंड ऑलवेज एक्ट्स इन अ वे टू फुलफिल इट्स नेशनल इंटरेस्ट, हर एक जो नेशन है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, उनकी इच्छाओं को नेशनल पावर की तरह जो है डिस्क्राइब करता है और वो जो उनकी नेशन है उनकी इंटरेस्ट को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है काम करता है। The content of national interest is always changing in nature and scope. और वो कहते हैं कि जो हमारा national interest है उसका nature और scope
हमेशा बदलता रहता है. इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट चेंज विद चेंज इन पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट. और वो कहते हैं कि वो जो है, जैसे हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो इच्छाएं हैं, चाहे हमारी राजनीतिक, चाहे हमारी सामाजिक जो है इच्छाएं, जैसे चेंज होती रहती हैं, वैसे ही हमारे जो एक नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी चेंज होती रहती हैं. एग्जांपल, द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ यूएसए टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. और उन्होंने बताया है कि कैसे ओबामा के प्रशासन में और ट्रंप के प्रशासन में यूएसए का नॉर्थ कोरिया की तरफ उनका जो एटीट्यूड है कैसे चेंज हुआ. दिस कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो अप्लाइज टू द कंसेप्ट ऑफ पावर. और यही वो बताना चाहते हैं कि जो एक नेशनल इंटरेस्ट है कैसे जो है पावर पर कैसे अप्लाई होता है, मतलब कि हर एक राष्ट्र कैसे जो है स्ट्रगल करता है अपने ही राष्ट्र की इच्छाओं की पूर्ति के लिए. द नेशनल पावर ऑफ अ नेशन इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट. और जो एक नेशन है उसकी जो पावर है वो हमेशा ही एक जैसी नहीं रहती, वो कॉन्स्टेंट नहीं है. इट कीप्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. उनकी जो पावर्स हैं कभी बढ़ती हैं या कभी घटती हैं. एग्जाम्पल, इंडियाज़ नेशनल पावर डिक्रीज इन द इंटरनेशनल अरिना आफ्टर लूजिंग द चाइना वॉर. हाउ एवर, आफ्टर विनिंग द वॉर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडियाज़ नेशनल पावर इंक्रीज्ड. और वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो चाइना का वॉर हुआ था उस टाइम जो हमारी नेशनल पावर थी इंडिया की वो कैसे कम हो गई थी, लेकिन फिर जब हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ कैसे हमारी जो नेशनल पावर्स हैं वो बड़ी, कैसे इंक्रीज हुई. पॉलिटिकल रियलिज्म आर्ग्यूज दैट द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्शंस ऑफ द स्टेट. और वो ये बताते हैं कि कैसे जो हमारी नैतिकता है हम पूरे स्टेट के एक्शन में कैसे उसे अप्लाई नहीं कर सकते. स्टेट्स ट्राई टू accomplish their national interests and cannot be judged by individual morality for doing so. और वो कहते हैं कि जो एक हमारा राष्ट्र है उसके ही राष्ट्रीय इंटरेस्ट जो है उसके लिए जाना जाता है, ना ही कि किसी एक व्यक्ति की नैतिकता से. Example, Pakistan's policy of causing internal disturbance in Kashmir. USA's invasion of Iraq, etc. cannot be judged on the basis of individual morality as per the realist. इसी तरीके से उन्होंने दो examples दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो कश्मीर में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है बनाने के लिए उनकी जो पॉलिसी थी, या फिर जो USA है इराक में जब उन्होंने इन्वेज किया था तो कैसे हम उसे एक नैतिक गुण के रूप में जो है नहीं ले सकते. नंबर फिफ्थ, पॉलिटिकल रियलिज्म रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई द मॉरल एस्पिरेशंस ऑफ द पर्टिकुलर नेशन विद मॉरल लॉज दैट गो ऑन द यूनिवर्स. जैसे हमने आइडलिस्ट के बारे में ऊपर पढ़ा है कि जो आइडलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि पूरी जो हमारा नेशन है, चाहे इंटरनेशनली, उनमें जो है मॉरेलिटी होनी चाहिए. और जो रियलिस्ट हैं वो आइडलिस्ट से बिल्कुल ही अपोज हैं. वो चाहते हैं कि जो मॉरालिटी है, मॉरल लॉज जो है यूनिवर्स में नहीं होने चाहिए, इसीलिए वो मॉरल लॉज को रिफ्यूज़ करते हैं. नेशंस ऑलवेज ट्राई टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट फॉलो एनी मॉरल प्रिंसिपल. और वो कहते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, हर एक जो नेशन है, हर एक जो व्यक्ति है अपने ही नेशनल इंटरेस्ट जो है सिक्योर करना चाहता है, और वो इस चक्कर में किसी भी तरीके के जो नैतिक प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक रूल्स हैं, उन्हें मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता. एग्जाम्पल, USA's यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स वॉज सिंपली इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट. जैसे USA के जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं. नंबर सिक्स, पॉलिटिकल रियलिज्म स्ट्रॉन्गली एडवोकेट्स द ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन.
It argues that political standards should be applied to political actions. और जो political reality वाले हैं वो ये चाहते हैं, realism वाले, जो reality पर उनके जो theories हैं, जो practical way से सोचते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे international politics में discipline बना होना चाहिए और वही discipline जो है हमारे राजनीतिक जितने भी actions हैं उन पे apply किया जाना चाहिए.